उदान के अंदर आए हुए हैं और मगारात मूसा के नाम से एक जगह है। उस वक्त यहाँ पर एक शख्स रहा करता था मूसा नाम का, और उसने जो है ना पूरी पहाड़ी को खोदा, खोदने के बाद अंदर एक पूरा का पूरा घर ही बना डाला। गाड़ी के ऊपर आए हैं, यहाँ पे गाड़ी रुक गई है, रुकने के बाद ये एक रास्ता जा रहा है, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, तो यहाँ से चल रहे हैं सीधा नीचे पैदल। ऊपर एक पहाड़ी है, ऊपर भी एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन हम ये सुरंग के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट लेके फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। सीरियन 2500 रुपये की जी टिकट दी है, मतलब सीरियन 2500 रुपये 200 रुपये पाकिस्तानी बन जाएंगे, या $1 या $0.50 इसी तरह बन जाएगा। अब ये पहाड़ के अंदर आ चुके हैं, ये देखें बहुत ही ठंडी जगह पहाड़ के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये उसी चश्मे का पानी, ये यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, ये देखें जी पूरा शहर आबाद हो गया। ओए होए होए, यकीन जाने पहले तो मैंने नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए। ऊपर पहाड़ है, कुदरत ने किस तरह खूबसूरती अंदर पहाड़ के अंदर मतलब सुरंगों की शक्ल में बना दी है। कश्ती चल रही है पहाड़ के अंदर, हमने सोचा इस कश्ती के ऊपर बैठते हैं, बैठ के पहाड़ के अंदर चल रही है कश्ती। बाहर बहुत सी कश्तियां चलती देखी हैं हमने, लेकिन ये पहाड़ के अंदर कश्ती चल रही है, यार हैरत की बात है। सुरंग के अंदर इस टाइम हम आए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही कमाल का जी। ये देखें किस तरह मूसा नाम के शख्स ने पहाड़ खोदा, आज यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। ये देखें चप्पू चल रहा है जी पानी के अंदर, और माशाल्लाह बहुत ही बड़ी जगह। ये कश्ती चलती जाएगी इसी तरह, और हम इसके अंदर जा रहे हैं, लाइटिंग भी लगी हुई है माशाल्लाह से, तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, मौसम भी अच्छा। ये देख, अच्छा कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये लेयर बनी हुई है ऊपर पानी को ज़्यादा। अब ये देखें हाथ भी लगा रहे हैं हम पहाड़ को, और साथ के साथ ये चल भी रही है। वाह, इससे इतनी बड़ी सुरंग उसने बनाई थी, वो सारे की सारी सुरंग पानी से भरी हुई है, उसके अंदर कश्ती चल रही है मूसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। मतलब यहाँ पर आने से आपको अल्लाह की कुदरत का पता लगता है, सुभान अल्लाह। हाँ, बंदा देखता है कि यार इतनी खूबसूरत जगहें भी अल्लाह ने बनाई है। इस साइड पे अगर आप देखें ना तो पहाड़ की सुरंग जा रही है, और यहाँ से लोग पैदल भी आते हैं देखने के लिए। इतनी खूबसूरत सुरंग के अंदर कश्ती चल रही है और हम उसके ऊपर घूम रहे हैं। वाह तेरी कुदरत मेरे मालिक, क्या खूबसूरत बनाई है दुनिया तूने। ये देखें जी, अब पहुंच चुके हैं, बस छोटा सा राउंड ट्रिप था, लेकिन इस जगह का व्यू बहुत ही कमाल का था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे ट्रिप ज़रूर करें। अच्छा जी, इस जगह से घूम लिया, नीचे से व्यू देख लिया, ये ऊपर का व्यू कुछ इस अंदाज का है। ये देखें रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लोग खाने खा रहे हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ सारा का सारा ये रेस्टोरेंट एरिया बना हुआ है, और अच्छा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है, साथ के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक भी महसूस होगी। खुदा की कुदरत देखें, ये चश्मा निकल रहा है जी, ये भी बुत बना हुआ है, साथ उसके पानी आबशार भी निकल रहा है। तो उसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई रास्ता जा रहा है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है, और ये एक पुल बनी हुई है, उस पुल के अंदर से हम आ रहे हैं। अभी हम यहाँ तक आए थे, हमारी कश्ती आई थी, और यहाँ पे ये देखें मुँह से धुआं भी निकल रहा है, वो जैसे सर्दियों के अंदर निकलता है, हालांकि बाहर बहुत गर्मी है। ये पीछे फारसी के अंदर लिखा हुआ है कि मूसा के बाजुओं के अंदर इतनी ताकत थी कि उसने इतना बड़ी पहाड़ को खोद डाला, और ये तकरीबन 15 साल के अरसे के अंदर उसने ये सारा का सारा बना डाला। जैसे आज ये टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है, रेस्टोरेंट बना हुआ है, रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं लोग। अच्छा जी, यहाँ पे लोग शीशा बहुत पीते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो इस तरह का सीन है, रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये देखें ये पूरा रेस्टोरेंट है, और इस साइड पे पानी के चश्मे बह रहे हैं। ये देखें चश्मे के ऊपर आए हुए हैं, ये ना ऊपर बर्फ़ पड़ी है इस टाइम, ना ही कोई इस तरह की टैंकी वगैरह जैसे बना दी जाती है,
वो है, इस ज़मीन से चश्मे निकल रहे हैं कुदरती, और ये पहाड़ की सुरंग के अंदर ही आ रहे हैं जो उसने खोद की बनाई थी तो मूसा नाम के शख्स ने, तो वो वहाँ पे कश्ती भी चलाई जाती है, मतलब इस तरह का सीन बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ। ये अच्छा जी, वैसे ये पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं यहाँ के लोग। ये देखें शीशा भी चल रहा है, रेस्टोरेंट बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि 30 आदमी ये करीब थे मूसा के साथ और उन्होंने खोदा, और ये हजरत मूसा थे या कोई आम शख्स थे? आम शख्स जिनका नाम मूसा। अच्छा अच्छा, सही सही। तो मतलब ये सीन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे मेरे मुताबिक आप सीरिया आए हुए हो तो यहाँ पे भी बलूदान इस शहर का नाम है, यहाँ पे आना चाहिए। ये है पूरा का पूरा वो पहाड़ जिसके नीचे सुरंग वगैरह बनी हुई है। तो टैक्सी वाला आ रहा है, टैक्सी में बैठते हैं और फिर हम कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप वो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, मैं एक और बात भी बताना भूल गया, यहाँ का अभी जो टेम्परेचर है वो 15 से 20 है, जो अंदर टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी मतलब अंदर, और बाहर 15 से 20 सेंटीग्रेड है। सर्दियों के अंदर यहाँ पर बर्फबारी होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा किस्म की बर्फबारी होती है, तो यहाँ पे -15-20 चला जाता है टेम्परेचर, मतलब यहाँ के जो मकामी हैं उन्होंने मुझे कहा। और अभी जो धूप निकली हुई है वो आंखों के अंदर सीधा सीधा चुभ रही है, तो इसलिए चश्मा वगैरह डाला हुआ है। तो खैर, अभी हम यहाँ से आगे जाने वाले और वहाँ की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, वो भी बहुत कमाल की जगह होगी, तारीखी जगह होगी, तो वहाँ पर हम चल रहे हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। टैक्सी आ चुकी है।